हेलो गाइज, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। तो गाइज, आपको थंबनेल देखकर समझ में आ ही गया होगा कि आज हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं। गाइज, आपको पता है सिगरेट का ज्यादा सेवन करने से कैंसर का बीमारी होता है। सबको पता है कि सिगरेट का ज्यादा सेवन करने से कैंसर पैदा होता है एंड उससे होता है मौत। तो हम आज आपको पूरा डिटेल्स में इस वीडियो में दिखाने वाले हैं कि किस तरह से सिगरेट आपको सेहत के लिए नुकसान पहुंचाता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं, इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हमने देसी जुगाड़ लगाया। क्या हमारे घर पे काफी दिनों से पुराना ये पंप पड़ा हुआ था गाइस, ये साइकिल में हवा भरने के लिए होता है। तो हमने क्या किया, इसका पाइप को निकाल लिया गाइस, इसके अंदर लगा दिया है। आप देख सकते हैं दूसरा एक पाइप। तो गाइस आप देख सकते हैं बोतल के नीचे हमने एक होल किया। होल का क्या काम है आपको अभी आगे पता चलेगा। आप देख सकते हैं वहां से यहाँ हम कनेक्शन कर दिया। तो गाइस इसके बाद हम क्या करने वाले, इसके अंदर डालने वाले बहुत सारा कॉटन एंड कॉटन डालने के बाद आपको हम दिखाते हैं। तो गाइस इसके लिए हमें चाहिए होगा कुछ कॉटन एंड गाइज आप देख सकते हैं इसके लिए हमारे पास है सिगरेट, इससे कैंसर बनता है। लगभग इसमें 30 सिगरेट है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको ओपन कर लेंगे। तो गाइज आप देख सकते हैं हमने अभी काफी सिगरेट इसमें निकाल लिया एंड गाइज अभी हम आखिरी डब्बा जो हम खोलने वाले हैं, तो आप देख सकते हैं हमने ये आखिरी डब्बा भी खोल दिया एंड गाइज इसको भी हम निकाल के इसके अंदर रख देंगे। तो गाइज आप सोचते होंगे कि कॉटन का क्या काम है। तो गाइज कॉटन का ये काम है कि हम इसे लंग्स के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारा बहुत सारा कॉटन इसके अंदर रहता है, इसलिए हमें बहुत कम पता चलता है। गाइस इसको अभी हम क्या करेंगे, इसको अंदर डाल देंगे। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर हमने अच्छे से कॉटन को डाल दिया। डालने के बाद क्या करेंगे, इसके ऊपर हम लगाएंगे कैप को। लगाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने एक होल कर दिया जिसके ऊपर हम सिगरेट को जलाएंगे। तो हम कुछ इस तरह से इसको टाइट कर देंगे एंड टाइट करने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे सिगरेट को। तो गाइज हम अभी क्या करेंगे, सिगरेट को जला देंगे, कुछ इस तरह से जलाएंगे। तो गाइज हम अपना बोतल एक्सचेंज कर लिए। छोटा बोतल क्या है, ये बहुत ज्यादा नरम था तो हमें इससे सुविधा नहीं हो रहा था। हमने अभी क्या किया, एक बड़ा बोतल ले लिया। तो गाइज इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर से जो कॉटन है उसको निकाल लेंगे एंड इसके अंदर डालेंगे। हर लोग सिगरेट डिफरेंट डिफरेंट तरीके से पीते हैं, हम आपको दिखाते हैं। कुछ लोग गाइस जो नए होते हैं वो बिल्कुल इस तरह से पीते हैं, क्या करते हैं नॉर्मली मुंह के अंदर लेते हैं निकाल देते हैं, वो अंदर नहीं लेते, उनको नुकसान उतना ज्यादा नहीं है। लेकिन गाइस नुकसान उसे ज्यादा है जो क्या करते हैं, सिगरेट को पीते हैं एंड गाइस उसको अंदर लेते हैं फिर उसको बाहर निकालते हैं। जिस तरह से मैंने इसको किया, क्या किया गाइस, मैंने पहले इससे इसको हवा को अंदर खींचा एंड गाइस इससे बाहर निकाला। तो गाइस बिल्कुल ही हमने एक्सपेरिमेंट को इस लेवल पे किया। आप देख सकते हैं मैंने एक्सपेरिमेंट को किस लेवल पे किया। गाइस क्या हो रहा है, इससे मैंने अंदर लिया एंड धुआं को, एंड धुआं को अंदर लेने के बाद मैंने फिर से बाहर निकाला। तो गाइस क्या होता है ना, फेफड़े पे कुछ धुआं रह जाता है, उसी से बनता है गाइस हमारा कैंसर का बीमारी। तो आपको हम दिखा देते हैं फिर से।
तो गाइस ज्यादातर लोग इस तरीके से सिगरेट पीते हैं एंड गाइस धुआं को अंदर ले जाते हैं एंड बाहर निकालते हैं तो काफी धुआं अंदर रह जाता है। गाइस बनता है कैंसर का बीमारी और उसी से इंसान का मौत हो सकता है गाइस, इसीलिए आप कृपया करके सिगरेट ना पिए। स्मोकिंग करना सेहत के लिए काफी हानिकारक है, ये सबको पता है, लेकिन गाइस जानते हुए काफी लोग पीते हैं एंड गाइस आपको मेरा रिक्वेस्ट है कि आप ऐसा कभी ना करें एंड कभी ना पिए एंड अपने दोस्त यार सबको समझाएं कि सिगरेट ना पिए। और गाइस जो बहुत ही ज्यादा प्रो लेवल का बंदा होता है वो क्या करता है गाइस, किस तरह से आपको दिखा देता है। हर दोस्तों के ग्रुप में क्या होता है, एक दो प्रो बंदा होता है वो किस तरह से सिगरेट पीता है, स्मोकिंग करता है अपना आम ज्यादा कमाने के लिए, गाइस दिखा सकते हैं हम आपको। गाइज आप कभी भी सिगरेट का धूमपान ना करें, आपसे हमारा रिक्वेस्ट है एंड धूमपान ना करें, धूमपान करना सेहत के लिए काफी हानिकारक है। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू रखते हैं, हमने आधा सिगरेट जलाया तो आधा सिगरेट में ये हाल हुआ है लंग्स का यानी हमारा कॉटन का। तभी क्या करेंगे हम, जितना सिगरेट हम सारा सिगरेट इसमें जला देंगे, जलाने के बाद देखेंगे रिजल्ट क्या आता है एंड क्या हाल होता है इस कॉटन का। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू रखते हैं, तो चलिए लेट्स गो। फाइनली लगभग हमारा सिगरेट खत्म हो चुका है एंड आखिरी सिगरेट बचा हुआ था, अभी हम इसको भी जलाएंगे एंड जलाने के बाद देखेंगे क्या हाल हुआ है फेफड़े का यानी कॉटन का। तो गाइस फाइनली सारा सिगरेट जल के खत्म हो चुका है, अभी हम क्या करेंगे इसको साइड में रख देंगे एंड इसके ऊपर बिछाएंगे एक दूसरा एक बोरा एंड उसके बाद इस बोतल को काटेंगे एंड काटने के बाद निकालेंगे एंड निकालने के बाद देखेंगे गाइस कि क्या हाल हुआ है इसका। तो चलिए वीडियो को देखते हैं, तो इसको हम साइड कर देते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं हमने इसके ऊपर एक बोरा बिछा दिया एंड इसके बाद क्या करेंगे हम बोतल को काटेंगे एंड काटने के बाद इससे हम कॉटन को निकालेंगे एंड निकालने के बाद देखेंगे क्या हाल हुआ है। तो गाइस अभी हम इसको काट लेते हैं। स्मेल बहुत ही ज्यादा गंदा है इसका, तो हम अभी क्या करेंगे इसमें हम अपना प्लास्टिक डाल देंगे हाथ में ताकि हमारे हाथों में ना लगे। तो गाइस हम अपने हाथों में प्लास्टिक डाल देंगे, डालने के बाद इसको निकालेंगे, देखते हैं क्या हाल हुआ। देख सकते हैं इसका हालत तो बहुत खराब लग रहा है अभी से। तो गाइस आप समझ सकते हैं सिर्फ 30 सिगरेट के बाद ये हाल हुआ है। अगर क्या होगा लोग 365 दिन यानी हर रोज दो सिगरेट पियेंगे तो लगभग 700 सिगरेट से भी ज्यादा हो जा रहा है। तो गाइस क्या हाल होगा फेफड़े का, आप समझ ही सकते हैं, आप देख सकते हैं सिर्फ 30 सिगरेट हमने जलाया एंड गाइस उसके बाद ये हाल हुआ है कॉटन का, तो आप समझ सकते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं सिर्फ हमने 30 सिगरेट जलाया था, इसके अंदर आप देख सकते हैं ये जो चीज बैठा हुआ है गाइस, आप देख सकते हैं ये चीज से होता है कैंसर एंड गाइस इसी के वजह से काफी लोगों का हो सकता है मौत। तो गाइस आप ऐसा कभी ना करें, आप सिगरेट का धूमपान ना करें। तो गाइस हम अभी इसको क्या करेंगे, इसको ओपन करके दिखाएंगे गाइस की क्या हाल हुआ है इस पाइप का। अभी हम क्या करेंगे इस पाइप को चेक करेंगे इसके अंदर का हाल क्या हुआ है। तो हम डालेंगे इसके अंदर एकदम साफ पानी एंड उसके बाद निकालेंगे पानी को, तो आप देखेंगे उसका पानी का कलर का क्या हाल होता है। हमने इसके अंदर आधा पानी डाल दिया, आप देख सकते हैं ग्लास को हमने पूरी तरह से खाली कर दिया। इसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे इस वाटर को एंड देखेंगे उसके बाद ये क्या हाल हुआ है। देख सकते हैं वाटर भी हल्का हल्का पीला हो गया एंड गाइस इससे भी हल्का स्मेल आ रहा है, तो आप समझ सकते हैं पाइप के अंदर भी कितना ज्यादा कैंसर का जो कारण था वो भी घुस चुका था। तो अभी हम क्या करेंगे ये जो है इसको भी थोड़ा चेक कर लेंगे, तो इसको डालेंगे इसके अंदर एंड देखेंगे क्या होता है इसमें।
देख सकते हैं इस वाटर का कलर भी किस तरह से बदल चुका है। तो गाइज इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, तो फिर मिलते हैं और किसी धमाकेदार एक्सपेरिमेंट के साथ। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लीजिए। तो मिलते हैं फिर किसी और धमाकेदार एक्सपेरिमेंट के साथ, तब तक के लिए बाय।